जय हिंद किसान साथियों, स्वागत है आपका युवा किसान एमपी यूट्यूब चैनल में। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोयाबीन में बहुत ही अच्छे बेस्ट कीटनाशक के बारे में। बहुत ही अच्छी कीटनाशक, ब्रांडेड कीटनाशक जिसका उपयोग ज़्यादातर किसान करते हैं, और यहाँ ऐसी कीटनाशक है जो आपकी सोयाबीन की फसल में सभी प्रकार की इल्लियों को ख़त्म कर देती और बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है, और लंबे समय तक इनके रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले किसान दोस्तों, किसान साथियों से निवेदन है कि जो लाल कलर का बटन दिखाई दे रहा है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो इससे भी हमें भी मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम किसानों को और भी अच्छी से अच्छी जानकारी दें और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में किसानों को बहुत आगे तक लेकर जाएं। सोयाबीन में कीटनाशक के लिए अनेकों प्रकार के कीटनाशक दवाइयाँ मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन आज हम सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे जो किसानों को बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है तथा लंबे समय तक रिजल्ट देती है, जो ब्रांडेड चीज़ है और जो किसान इसका उपयोग बहुत ज़्यादा करते हैं, उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं कोराजन के बारे में। यह FMC का प्रोडक्ट है, FMC कंपनी ने इसे बनाया है और नाम इसका कोराजन है। यह बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है FMC का, और बहुत ही शानदार इसके रिजल्ट किसानों द्वारा दिखाए गए हैं। सोयाबीन में इल्लियों के लिए जो FMC के कोराजन है, इसका सिर्फ नाम ही काफ़ी है, क्योंकि ज़्यादातर किसान इसका उपयोग करते हैं और हर किसान ने लगभग इसका रिजल्ट देखा है। जिन किसानों ने अगर इनका उपयोग नहीं किया है तो एक बार इसका उपयोग करके ज़रूर देखना, बहुत ही अच्छे शानदार रिजल्ट है और लंबे समय तक इसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर किसान क्या है कि अपने सोयाबीन की फसल में लास्ट स्प्रे जो रहता है, जिसमें आप कीटनाशक का उपयोग करते हैं, उसमें कोराजन का उपयोग जरूर ही करते हैं, क्योंकि इसका जो रिजल्ट रहता है बहुत ही लंबे समय तक रिजल्ट रहता है, जिससे किसानों को इसके बाद में कोई अन्य दवाई का उपयोग करना नहीं होता है। इसलिए लास्ट स्प्रे में ज़्यादातर किसान इसका कोराजन का उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं इसके उपयोग और मात्रा के बारे में। कोराजन में जो कॉन्टेंट है, जो केमिकल मिला है, वह है क्लोरएंटानीलिप्रोल 18.5 SC फॉर्म में। इसके उपयोग के मात्रा की बात करें तो यहाँ 60 ml प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में इसका उपयोग हमें करना चाहिए। इल्लियों की बात करें तो यहाँ सोयाबीन में लगने वाली सभी प्रकार की इल्लियों को कंट्रोल करता है। कोराजन जो है आपके वाइट फ्लाई को कंट्रोल नहीं कर पाता है, वाइट फ्लाई पर इसके बहुत ही कम रिजल्ट देखने को मिले हैं। किसान दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।